है व्हाट आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अनादर ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड पैरासाइट। एग्जाम्पल टैपवॉर्म, लाइस, कैस्केटा, ये हमारे एग्जाम्पल। तो पैरासाइट क्या कह रहे हैं, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और वहीं से अपना फूड, अपना नरिशमेंट करता है। जो भी खाना खाना है उसको वो उसी से ही, उसी की बॉडी पर रह करके उसको काट करके उसी की बॉडी से नरिशमेंट भी गेट करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कह देते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइस। जो जुआ है वो हमारे सर में रहता है, वहीं पर ही क्या करता है, अपना नरिशमेंट करता है, वहीं खून पीता है और वहीं पर ही रहता है। तो एक ऑर्गेनिज्म लाइस, ये एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के, हम एक ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर रह रहा है तो एक ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है और अपना नरिशमेंट पूरा कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे। तो यहां लाइस क्या है, ये एक पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइस पैरासाइट है हमारे ऊपर, ठीक। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, पहला है एंडो पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, अंदर रहने वाले पैरासाइट यानी बॉडी के ऊपर, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा पैरासाइट लाइस, ये तो हमारी बॉडी के ऊपर रह रहा है, सरफेस पर रह रहा है, ठीक। स्किन पर रहने वाला, सर में रहने वाला, स्किन पर ही है वो एक तरह से। तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। और पहले हम देख रहे हैं एंडो पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। तो इंटरनल पैरासाइट क्या होंगे, पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंडो पैरासाइट। तो ऐसे पैरासाइट्स या ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो अगर किसी की बॉडी में रह रहे हैं यानी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एंडो पैरासाइट कहलाएगा, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर रहेगा और अपना नरिशमेंट करेगा। तो यहां पर जैसे हमारी लीवर, ये हमारा इंटेस्टाइन में, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर टैप वॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। हुक वॉर्म भी पाए, जैसे टैप वॉर्म है ऐसे ही हुक वॉर्म भी पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और वहीं पर ही खाते पीते, वहीं पर ही अपना नरिशमेंट करते हैं। तो क्योंकि ये क्या रह रहे हैं, ये अंदर रह रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, एंडो पैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट कहेंगे, ठीक। दूसरा एक और है लिवर में रहने वाला। हमारा जो लिवर है इसमें एक फ्लूक, लिवर फ्लूक्स रहते हैं कुछ इस तरह की शेप के, ये लीवर में रहते हैं वहीं पे ही अपना नरिशमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स हो गए किस चीज के, एंडो पैरासाइट्स के। अब हम बात करते हैं एक्सो पैरासाइट्स या एक्सटर्नल पैरासाइट की, ठीक। तो एंडो पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट, जैसे यहां पर भी हमने देख ही लिया था, इससे पहले ही बता दिया कि पैरासाइट्स, पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंडो पैरासाइट। तो ये कहाँ रह रहा है, सरफेस पर रह रहा है, हमारी स्किन पर रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो सरफेस पर, उसे हम देख रहे हैं, ठीक। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सरफेस पर या स्किन पर रह रहा है और वहां से अपना नरिशमेंट कर रहा है तो ऐसा पैरासाइट क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नली रह रहा है, बाहर रह रहा है। तो ये हो जाएगा एक्सो पैरासाइट। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो हम लाइस है ना, जो लाउज है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारी खोपड़ी में रहता है, सर में रहता है और वहीं पे काटता है, वहीं पर ही खून पी लेता है और क्या करता है, अपना नरिशमेंट कर लेता है। ऐसे ही आपने गाय को देखा होगा, उसके ऊपर क्या लग जाते हैं, टिक्स लग जाते हैं कुछ इस तरह के, ऐसे और इसके पैर ऐसे ऐसे, ये तो ये टिक्स क्या करते हैं, ये टिक्स इसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, उसको उसे क्या, उसका जो खून है वो पीना शुरू कर देते हैं और इस तरह से अपना नरिशमेंट करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं नरिशमेंट करते हैं। तो ये था हमारा क्या, पैरासाइट। तो पैरासाइट में हमने पढ़ा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और वहीं से नरिशमेंट करता है। दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रह रहे हैं, और एक्सो पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं और नरिशमेंट करते हैं।